अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। पिछली सरकारों ने कभी कार्य नहीं किया। अगर पिछली सरकारों ने कार्य किया होता तो स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी को केराना के पलायन की घटना को लेकर के सड़क से लेकर के सदन संसद तक आंदोलन नहीं करना पड़ता। आज उसी विरासत को बार बार स्मरण कराने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आज स्वर्गीय बाबू हुकुम सिंह जी हमारे बीच नहीं, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि इन्होंने जिस कार्य का बीड़ा उठाया था उस कड़ी को आगे बढ़ाने का दायित्व हमारा है और प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व भी हमारा है और उसी सुरक्षा का एहसास कराने के लिए चाहे वह गरीब हो, गांव का निवासी हो, अधिवक्ता हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, बहन और बेटियां हो, इन सब की सुरक्षा का दायित्व सरकार का है और अपनी सरकार की उसी प्रतिबद्धता को दोहराने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों याद करिए, 12 महीने पहले, 14 महीने पहले, 15 महीने पहले इन क्षेत्रों में कितना दहशत का माहौल होता था, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए कितना खतरा होता था, कैसी कैसी अराजकता की स्थिति होती थी, किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी और कैसे बड़े बड़े संगठित अपराधी सरेआम अपराध करके व्यापारी से गुंडा टैक्स वसूली करते थे, बहन बेटियों के लिए खतरा पैदा करते थे। एक वर्ष के अंदर परिवर्तन दिखा कि नहीं दिखा है? एक वर्ष के अंदर हम लोगों ने अपराधी को जहां पहुंचाना चाहिए था वहां पहुंचाने का कार्य किया है। और फिर मैं कहने के लिए आया हूं, जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य करेगा, जो भी हमारे किसानों को, हमारे नौजवानों को, हमारे व्यापारियों को, हमारी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खतरा बनेगा, उसकी जान का खतरा हमारी पुलिस बनेगी।